के जिलाधीश, हिंदुस्तान जिंक के जांगीर साहब, कभी भाबा जी, हरि सिंह जी, हमारे उपस्थित भाइयों और बहनों, इस बस स्टैंड में हालांकि बहुत समय के बाद इसकी कल्पना बहुत पहले कर ली थी 2011 में और बनते बनते 11 साल तक गए, पर अंत भला कम से कम बन गया। इस मेल में आप सब पेशा करें कि ये काम होना चाहिए वो ठीक हो। आप अपने वेदांत ग्रुप को कहें इस रेल मंगला के विकास के लिए आप क्या क्या चीजें हो सकती है उसकी डीपीआर आप बनाए। और मैं जानता हूं कि सीएसआर का पैसा एक साल से खर्च होता है, सीएसआर का पैसा फ्रेज में खर्च होता है और बाकी लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर का डिपॉजिट आपके पास है। और जो आजकल नया पानी नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपका वेदांता का लंबे समय तक इस परिवार के साथ संबंध रहेगा। यहाँ हमारे बच्चे हैं और नौकरी की अपेक्षा करते हैं, यहाँ के लोग हैं उनको अपेक्षा करते हैं कि आप लोग रोजगार बढ़े, धंधे बढ़े। ये कल्पना इनकी नहीं हो सकती, ये कल्पना आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको लंबे समय तक इस परिवार के साथ रहकर अपने वेदांता ग्रुप को आगे बढ़ाना है। तो वेदांता ग्रुप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप में से लोगों को मालूम नहीं है कि अनिल अग्रवाल जी ने एक मोटा काम किया है गुजरात में, वो बड़ा सेमी कंडक्टर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आने वाले समय में जो सेमी कंडक्टर की कमी हिंदुस्तान में है उसको पूरा करने में वेदांता ग्रुप की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मुझे जानकारी है तभी जो की, पर उस जानकारी का लाभ मेरे इलाके के लोगों को तभी मिल सकता है तब आप खुद आगे आकर ये कल्पना करें कि हम रेल मंगला को कैसे विकसित रूप में देखना चाहते हैं। ये कल्पना आपकी होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट आपका होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर एक साल दो साल में जो भी धीरे धीरे करना है वो निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। जैसे आज जबलपुर नरसिंह द्वार पे आपने दीवार बनाई, उद्घाटन करवाया, अच्छा है आपने दीवार बनाई, जमीन प्रोटेक्ट होगी, जमीन का उपयोग होगा। लेकिन नरसिंह द्वार का जो मंदिर है वो भी नहीं बने और वेदांता वो भी बन जाए, ये आप डीपीआर बनावे, डीपीआर बनावे। आज कोई आदमी यहाँ पर आया, वो आएगा दुनिया के आदमी यहाँ पर आएंगे, दुनिया के आदमी जब भी आए तो आपका वेदांता ग्रुप बहुत आगे बढ़े, बहुत पैसा कमाए। लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो धरोहर है, वो भी लोग यहाँ पर मंदिर का पुराना है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार वेदांता परिवार ने किया और वो भव्य मंदिर है, तो लोगों को एक अट्रैक्शन होगा। तो वेदांता के साथ साथ नरसिंह द्वार पर भी जाए तो लोगों की आस्था उस आस्था को मजबूत करे। कि तुम्हारे कुछ उदाहरण नहीं होंगे, पर मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस रेल मंगला के समुचित विकास के लिए ये एक आदर्श पंचायत बन सके। उस पंचायत में सरकार के वित्तीय संसाधन कम होते हैं, लेकिन आपके वित्तीय संसाधन सप्लीमेंट करके एक अच्छा आदर्श पंचायत बन सके, ये हम सबके लिए गौरव की बात होगी। इसे मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप काम करें, इस काम को आगे बढ़ाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं वेदांता ग्रुप को बहुत पैसे वाला बनाए, वो क्योंकि ऐसे बढ़े, उस ऐसे में कुछ हमारी बात करें, हमारे इलाके के लोगों की आती रहेगी। यही बात मुझे कहनी, एक बार मैं पुनः व्यक्तिगत तौर पर वेदांता परिवार के प्रति अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी तरफ से अनिल अग्रवाल जी को आप अनुमान जी जरूर कहिए कि हम सब के इलाके के मन में कल्पना है कि वेदांता ग्रुप खूब आगे बढ़े, लेकिन हमारे इलाके के तरक्की में भी भागीदारी निभाए। यही बात मुझे कहनी, एक बार मैं सब आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।